और वेजिटेरियन रेसिपीज, अलग अलग क्यूजिन की रेसिपीज, मीठी मसालेदार यूनिक सी रेसिपीज के लिए आप मेरी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर से क्लिक कीजिए ताकि जब जब मैं नए वीडियोस डालूंगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वेलकम टू अल्पा हाथ। मेरा नाम अल्पा शाह है। आज इडली जो साउथ इंडियन डिश है उसे हम जरा अलग तरह से प्रेजेंट करेंगे। हम बनाने वाले हैं स्टफ इडली इन ग्लास। हम ग्लास इडली बनाने वाले हैं और उसमें स्टफ करने वाले हैं चटनी का, जो हम टमाटर की चटनी बनाने वाले हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने एक पैन में 1 टेबलस्पून तेल लिया है, 1 टीस्पून उड़द की दाल डालेंगे, 1 टीस्पून चने की दाल, 1 टीस्पून थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तब तक। बहुत ही टेस्टी चटनी बनती है टमाटर की। इडली चटनी हम हमेशा खाते रहते हैं, लेकिन अगर कुछ उसमें भी नयापन मिले तो अच्छा लगता है सबको। थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तब तक हमें इसे भूनना है, हल्का सा गुलाबी रंग आना चाहिए। अब कलर चेंज होने लगा है। एक कश्मीरी मिर्च डालेंगे और 1 कप टमाटर है, हमें स्लो से मीडियम आंच में इसे अच्छे से पकाना है। टमाटर सॉफ्ट हो जाने चाहिए, 2 से 3 मिनट लगेंगे इसे। 3 मिनट हो गए हैं, टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें 1/4 कप फ्रेश नारियल डालेंगे, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और 1 टीस्पून चीनी, ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो ही डालिए, लेकिन टमाटर की खटास को बैलेंस करने के लिए मैं डाल रही हूँ। अब सिर्फ हम इसे 1 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। फ्रेश नारियल भी अच्छे से भून चुका है, गैस को बंद करेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। टमाटर की चटनी ठंडी हो चुकी है, मैंने इसे मिक्सी जार में ले लिया है। हम इसे पीस लेंगे, इसमें हमें पानी नहीं मिलाना है, ऐसे ही थिक रखनी है। मैंने इस तरह से इसे पीस ली है, थोड़ी सी दरदरी रखी है मैंने इसे। अब मैं एक ऐसी प्लेट लूंगी और जिसमें इसे स्प्रेड कर दूंगी चटनी को। हमें थिक चटनी ही रखनी है, जरूर से याद रखिएगा ये चीज को, और इस तरह से स्प्रेड कर देंगे चटनी को। 1/2 इंच की थिकनेस वाली कोई भी ऐसी प्लेट लीजिए आप, और इसमें हमें इसे फ्रीज कर देनी है, फ्रीजर में रख देनी है। मैं 2 घंटे के लिए इसे फ्रीजर में रखूंगी। स्टफ ग्लास इडली बनाने के लिए मैंने ये इडली का आटा ले लिया है, ये 1 किलो है। नमक डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आटा हमें ऐसा गाढ़ा ही चाहिए। 5 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। टमाटर की जो चटनी बनाई थी वो फ्रीजर में अच्छे से सेट हो गई है। अब हम इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने क्यूब में छोटे छोटे पीस काट लिए हैं। आप चाहे तो आइस ट्रे में भी इसे जमा सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। अब हम ग्लास में इडली असेंबल करेंगे। आटे को फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे। मैंने ये स्टील की ग्लास ले ली है, मेरे पास ये थोड़ी बड़ी साइज की ग्लास है, अंदर से ग्रीस कर लिया है ऑयल से। आपके पास जो भी ग्लास अवेलेबल हो उसमें आप बना सकते हैं। सबसे पहले हम 1 चमचा बैटर डालेंगे। हम इसे 1/4 जितना भर देंगे, मैंने 1/2 से थोड़ा कम इसे भर दिया है। अब हम बीच में मैंने 2 से 3 क्यूब
इस तरह से टमाटर चटनी डालेंगे। ये देखिए मैंने आधा आधा भर लिया है, मेरे ग्लास बड़े हैं इसके लिए मैं कढ़ाई का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने नीचे पानी डाल दिया है, ऊपर ये रिंग रख दी है, उसके ऊपर हम एक ढक्कन रख देंगे। पानी अच्छे से गर्म हो जाए फिर हम ये ग्लास को इस तरह से अरेंज कर लेंगे। अब हम इसे तेज आंच पर ढक कर 12 से 15 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। इडली हमारी स्टीम हो जाए तब तक हम एक तड़का प्रिपेयर कर लेंगे। मैंने तड़का पैन में 1 टेबलस्पून तेल लिया है, वन फोर्थ टीस्पून सरसों डालेंगे, सरसों थोड़ी क्रैकल हो जाए उसके बाद हाफ टीस्पून उड़द की दाल और वन फोर्थ टीस्पून जीरा। हल्की सी उड़द दाल को हम गुलाबी रंग की होने देंगे। लास्ट में 5-6 पान कड़ी पत्ते के। गैस को बंद कर देंगे। तड़का प्रिपेयर हो चुका है, 12 मिनट हो चुके हैं। हम खोल के चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छे से फूल के इडली हमारी तैयार हुई है। बाहर निकाल के हम इसे 10 मिनट का रेस्ट देंगे। 10 मिनट हो चुकी है, थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, हम इसे डिमोल्ड कर लेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम एक पतली सी छुरी की सहायता से साइड को छुड़ा लेंगे ताकि हमारे जो ग्लास इडली है, स्टफ ग्लास इडली, वो आसानी से डीमोल्ड हो सके। ये देखिए कितनी आसानी से डीमोल्ड हो चुकी है। मैं आपको नजदीक से दिखाती हूँ। एक इडली का एक नया ही रूप है। अब हम इसे प्रेजेंट करेंगे। मैंने सर्विंग प्लेट में हमारी स्टफ ग्लास इडली ले ली है। अब हम जो तड़का प्रिपेयर किया था वो हम थोड़ा सा इसके ऊपर डालेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको करना है तो ही कीजिए, लेकिन बहुत ही बढ़िया लुक आता है इससे। उसके ऊपर हम थोड़ा सा मलका पुड़ी पाउडर, उसे थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे। अब हमें इसके साथ ना कोई चटनी ना कोई सांभर की जरूरत है, आप इसे ऐसे ही एंजॉय कर सकते हैं।